हेलो एवरीवन, देखिए आप लोग के पिछले वीडियो में बताए थे क्वेश्चन नंबर 8 तक, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन था, इसी के बेस पर आज क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग को बोल रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान से दीजिएगा, ठीक ना। जिसमें बोला कुछ ये कि टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9.3/8, ठीक है। तो इसमें बोला कुछ ये कि दो को आपका वाटर टैप्स है, ठीक है। टैप्स का मतलब होता है आपका नल, ठीक है। टैप मतलब क्या होता है, नल। और टुगेदर के मतलब होता है कि दोनों के साथ, ठीक ना। तो इसमें बोला कुछ ये कि कैन फिल ए टैंक इन 9.3/8, ठीक है। ये जो आपका टाइम जो दोनों लेता है कितना लेता है, तो 9.3/8 आवर, ठीक है। तो अगर आपको कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन द कोची स्मॉलर, ठीक ना। इसमें बोला को जी कि एक दो को आपका टैप है, ठीक है। मतलब दो को नल है, एक आपका स्मॉलर और एक आपका लार्जर। तो स्मॉलर के मतलब छोटा और लार्जर के मतलब बड़ा। इसमें बोला को जी कि जो आपका स्मॉलर टैप से जो लार्जर से क्या करता है, 10 आवर कम समय लेता, ठीक ना। लेस के मतलब क्या होता है, तो लेस देन के मतलब होता कम, ठीक है। तो 10 आवर कम लेता, तो 10 आवर कम किससे लेगा, लार्जर से कि स्मॉलर से। तो लार्जर से कम लेगा, काहे कि 10 आवर कम समय लेता, तो कौन कम समय लेगा, तो लार्जर। तो अब ध्यान दीजिए, इसके बाद बोला कुछ कि स्मॉलर, तो 1-2 फिल द टैंक सेपरेटली, ठीक है। इसमें क्या करना है कि सेपरेटली बताना, अलग अलग, ठीक ना। तब बोला कुछ कि फाइंड द टाइम व्हिच टाइम इन बीच इस टैप द कोच कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है। इसमें बताना कोच कि दोनों अलग अलग, ठीक है। मतलब लार्जर टैप और स्मॉलर टैप दोनों नल अलग अलग कितना समय में टैंक को भरेगा, ठीक ना। टैंक मतलब माने कि कोई पानी का पौधा है, ये साउथ को क्या करना, भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन में आते हैं। तो सोल्यूशन में ध्यान देने के पहले हम लेट मानेंगे, ठीक ना। तो लेट क्या मानना है, तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर दो गो टैप है, एक आपका स्मॉलर और एक आपका लार्जर। तो क्वेश्चन में बोला को जी कि जो स्मॉलर टैप है ये आपका लार्जर से क्या करता है, 10 आवर कम समय लेता है। तो 10 आवर कम समय कौन लेगा, लार्जर। तो सबसे पहले हम लेट किसके मानेंगे, स्मॉलर का। अगर स्मॉलर जब पता रहेगा तभी तो लार्जर को घटा सकते हैं। तो आप देखिए, लेट द टाइम टेकन बाय कोच स्मॉलर टैप बी एक्स, ठीक ना। छोटा वाला जो नल था ये कितना इसको टाइम दिया गया, एक्स आवर लेट किया, ठीक ना। तो छोटा वाला नल को क्या लिए, एक्स आवर। इसके बाद बोला कोच कि एंड द टाइम टेकन बाय कोच लार्जर टैप, जो बड़ा वाला नल है इसको हम कितना किए, तो एक्स माइनस टेन का है कि बोला कोच कि जो आपका स्मॉलर टैप है वो लार्जर टैप से क्या था, 10 आवर कम समय लेता था। तो कम समय कब लगा, तो जब स्मॉलर कम एक्स मानेंगे तो लार्जर क्या होगा, एक्स माइनस में 10 का, बड़ा वाला नल क्या होगा आपके एक छोटा से क्या करेगा, 10 घंटा कम समय लगा, ठीक ना। तो स्मॉलर को हम क्या माने थे, एक्स। तो लार्जर कितना आ गया, एक्स माइनस 10, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, आप बोला को जी कि टाइम टेकन टू फिल द कोच टैंक टूगेदर, ठीक है। आप दोनों नल को मतलब एक साथ खोला गया, ठीक है। तो दोनों नल के एक साथ जब खोले तो कितना समय लिया, तो 9.3/8, ठीक ना। तो आपका कुछ मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम का कन्वर्ट किया प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक ना। इसको किया तो जिसमें 9 से गुणा किया, तो 9 में 8 से कितना गया, 72। और 72 में 3/8 के कितना है, 75/8, ये इतना आपका आवर हो गया, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो ये जो माने थे स्मॉलर टैप क्या माने, एक्स माने। लार्जर टैप कितना माने, एक्स माइनस 10। और दोनों के टाइम एक साथ कितना था, 75/8, ठीक ना। तो ये तो हम एक्स माने, लेकिन अब बताना कि 1 आवर में कितना समय लेगा, ठीक ना। मान लेते हैं एग्जांपल एक लेके बताते हैं। जैसे मान लें कि हमको 2 kg चावल लेना है, ठीक है। तो 2 kg चावल लेने के लिए पहले 1 kg के दाम पता करेंगे, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि 1 kg के दाम मान लेते हैं कि 20 रुपया है, तो 2 kg के दाम कितना होगा, 40। तो ठीक इसी प्रकार यहां समझेंगे कि जब स्मॉलर टैप एक्स आवर समय लेता और लार्जर कितना, एक्स माइनस में 10, तो दोनों के 1 आवर में निकालेंगे, ठीक है। तो आप देखिए, तो लिखिए कुछ द पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय द कुछ स्मॉलर टैप इन 1 आवर। कहने का मतलब कुछ है कि जो स्मॉलर टैप से जो एक टैंक को भरने में कितना समय लेता है, 1 आवर में, ठीक ना। तो 1 आवर में कितना होगा, तो जो एक मतलब इसमें टाइम था कितना, एक आवर में भरा था, तो 1 आवर में कितना होगा, तो 1/x, ठीक है। लार्जर के लिए क्या करेंगे, तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय द कुछ लार्जर टैप इन 1 आवर में कितना, तो 1/x - 10, ठीक है। इसके
बार दोनों के एक साथ खोले तब बहुत टैप इन द कोच वन आवर और दोनों नल को एक साथ में कितना आता है 8/25 ताकि आपका टोटल टाइम था कितना 25/8 ये कब वन आवर में निकालेंगे तो वन आवर में कितना आ जाते 8/25 ठीक ना। अब देखिए इसमें फिगर बताया गया है कि एक आपका स्मॉलर टैप है ठीक है और एक आपका लार्जर है। फिगर पर ध्यान से समझिएगा एक आपका स्मॉलर और एक आपका लार्जर। अब दोनों को क्या बोला सेपरेटली ठीक है मतलब दोनों के अलग अलग बताना है कि स्मॉलर टैप कितना समय लेगा और लार्जर टैप कितना टाइम लेगा। अब दोनों को पहले अलग बता के इसके बाद अलग हो जाए कि दोनों को एक साथ खोला गया ठीक ना। तो दोनों के एक साथ मतलब दोनों नल के लार्जर वाला और स्मॉलर दोनों टैप को एक टैंक को भरने में कितना समय लेगा ठीक ना। तो आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो वन आवर में कितना था स्मॉलर वाला तो 1/x लिया था और लार्जर वाला वन आवर में कितना तो 1/x-10। अब दोनों नल को एक साथ भरने के लिए ठीक है दोनों नल को क्या करते हैं एक साथ को जो हौज को भरता है तो हौज भरने के बाद जो दोनों नल के साथ ही करेंगे तो दोनों के पानी क्या होगा जुड़ जाएगा। तो स्मॉलर वाला के टाइम कितना था तो 1/x और लार्जर का कितना था तो 1-x-10। अब दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कीजिए तो 1/x अब प्लस में कुछ तो 1/x- में कितना 10 आज कल टू कितना 1 आवर का टाइम कितना था तो 8/75 था ठीक है। अब यहाँ सब सॉल्व करेंगे अब दोनों के प्लस काय के इस भी बात पर क्वेश्चन उठ सकता है तो दोनों के प्लस काय के है कि दोनों नल को एक साथ खोला जाता है ठीक ना। तो स्मॉलर के टाइम कितना था तो 1/x और लार्जर का टाइम कितना था 1-x। तो दोनों के क्या किया प्लस और दोनों के टाइम कितना की इक्वल हो गया था 8/75 ठीक ना। सोल्यूशन कीजिए एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया तो x into x- में कितना आ गया 10 होगा क्योंकि अलग अलग है तो मल्टीप्लाई। अब इसमें इसे क्या करेंगे डिवाइड तो x से x कैंसिल तो बच गया कितना तो x माइनस में आपका 10 होगा ठीक है। प्लस x-10 से x-10 कैंसिल तो बच गया कितना x तो यहाँ पर x में 1 से करेंगे तो x होगा ठीक है इक्वल टू 8 कितना आ गया 75 ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो यहाँ पर प्लस में x आई भी आपका कुछ में प्लस में तो प्लस है प्लस प्लस तो 1x कितना आगा तो 2x हो जाएगा और माइनस में आपका कितना आगा 10/x में x से गुणा करें तो कितना आगा तो x² प्लस है माइनस माइनस तो 10 में x से तो कितना आगा तो आपका 10x हो जाएगा इक्वल टू में कितना तो 8/75 ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो कितना हो जाएगा तो सबसे पहले 8 में x² से कितना तो यहाँ पे लिख सकते हैं अरेंज करके 8x² - में कितना तो 10x इंटू में कितना इक्वल टू में कितना तो 75 इंटू में कितना तो 2x- में 10 हो जाएगा ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 में x² से करेंगे तो कितना आगा तो 8x² प्लस है माइनस माइनस तो 10 में 8 से करेंगे तो कितना आगा तो 80x हो जाएगा इक्वल टू 25 में 2 से तो 75 में 2 से करेंगे तो कितना आगा तो 150x प्लस है माइनस माइनस ये हो जाएगा कितना 750 हो जाएगा ठीक है। अब क्या करेंगे वेरिएबल एक पार्टी कॉन्स्टेंट एक पार्टी तो कीजिए तो 8x² माइनस में कितना 80x अभी प्लस में थी पार्टी कितना होगा माइनस में कितना हो जाएगा तो 150x इक्वल टू में माइनस कितना ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो 8x² माइनस है माइनस प्लस लेकिन साइन कुछ होगा माइनस के अब दोनों के ऐड कीजिए तो 0 और 8 5 कितना होगा 13 आया पे 1 2 ठीक ना इक्वल टू कितना तो -750। अब देखिए तो 8x² माइनस में कितना 230x अभी माइनस में थी पार्टी प्लस में तो 750 इक्वल टू में 0 ठीक ना। अगर आप कॉमन भी ले सकते हैं तो कॉमन भी ले दिए तो कॉमन लेंगे कितना तो 2 मान लेते हैं कि कॉमन लेते हैं तो कितना आगा तो 4x² माइनस में कितना हो जाएगा तो 1 और 5 हो जाएगा x से तो x ठीक है प्लस यहाँ पर कीजिए तो कितना आगा 3, 7 और 5 हो जाएगा
ठीक है, एच कल टू में क्या करेंगे जीरो, तब फोर एक्स स्क्वायर माइनस में 115x और प्लस में कितना 375 आई पार्टी गुना में टी पार्टी आपका डिवाइड में तो जीरो। ठीक ना, अब देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो पिछले वीडियो में बताया था कुछ, पहले डी चेक करेंगे, डी निकालने के बाद इसका डी पॉसिबल होगा तो अल्फा और बीटा निकालेंगे तो जो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा वही आपका होगा आंसर, और जो नेगेटिव होगा इसको क्या करना है नेगलेक्ट कर देना। ठीक ना, तो पिछले वीडियो में आप लोग की डी निकालने के लिए बताया। देखिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, 9 क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जो आप लोग के बोल रहा है। ठीक ना, तो कह रहा कुछ है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, इसमें कहने का मतलब कुछ है कि दो को आपका ट्रेन है। ठीक है, एक आपका एक्सप्रेस ट्रेन है और एक आपका पैसेंजर ट्रेन है। ठीक ना, एक्सप्रेस ट्रेन और एक आपका पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, तो कह रहा कुछ कि टू टेबल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। ठीक ना, इसमें दो को आपका सिटी है। ठीक है, दो को टाउन है, एक आपका मैसूर एक आपका बेंगलोर। ठीक है, तो दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या कर रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन ट्रेवल कर रहा है। ठीक ना, तो इसमें बोला कुछ कि इफ द एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज मतलब होता है औसत, स्पीड मतलब चाल। ठीक है, तो इसका औसत चाल क्या करना है, तो ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन तो कुछ अगर इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, इसमें बोला कुछ कि जो एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है, ठीक है, ये पैसेंजर ट्रेन से कहा चाहिए 11 किलोमीटर मोर देन का मतलब क्या होता है ज्यादा, और लेस देन का मतलब क्या होता है कम। तो इसमें क्वेश्चन पर ध्यान से समझिएगा, बोला कुछ कि इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कोची एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है, तो इज 11 किलोमीटर मोर देन द कोची डेट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। ठीक ना, तो कहने का मतलब कुछ है कि जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है ये पैसेंजर ट्रेन से क्या कहता है 11 किलोमीटर क्या कहता है इसका स्पीड ज्यादा। ठीक ना, तो किसका ज्यादा, तब एक्सप्रेस ट्रेन का। ठीक ना, क्वेश्चन बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्पीड है 11 किलोमीटर किससे ज्यादा, पैसेंजर ट्रेन। ठीक ना, तो बोला कुछ कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, इसमें क्या करना है कि दोनों ट्रेन का स्पीड हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो बताए थे कि जो हमको फाइंड करना है इसी को हम क्या कर देते हैं लेट मान देते हैं। ठीक ना, तो आप ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में, तो लेट द स्पीड ऑफ कोच पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन को हम स्पीड क्या कहें एक्स माने, ताकि जब तक हमको पैसेंजर नहीं पता रहेगा तो आप एक्सप्रेस नहीं मान सकते। ठीक ना, ये चलते हम क्या किया एक्स पैसेंजर ट्रेन का स्पीड क्या क्या है एक्स किलोमीटर पर आवर, आगे स्पीड होता है जो किलोमीटर पर आवर में होता है। ठीक ना, और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड क्या मान लिया है, तो आपका एक्स प्लस में 11। ठीक ना, तो आप देखिए तो जब पैसेंजर एक साथ एक्सप्रेस कितना ज्यादा लिया था स्पीड इसका 11 किलोमीटर को जितना ज्यादा था, तो एक्सप्रेस जब आपका पैसेंजर जब एक्स लिया तो एक्सप्रेस कितना गया था एक्स प्लस में 11। ठीक है, आप ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार। ठीक ना, तो प्रश्न में क्या किया है, तो आपका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 132 किलोमीटर। ठीक ना, आपका जो डिस्टेंस जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 132 किलोमीटर। तो आप देखिए डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर। ठीक ना, तो फॉर्मूला में अपने यूज करेंगे टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक ना, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें बोला कुछ जी कि जो आपका एक्सप्रेस ट्रेन है ये क्या कहता है कि 1 आवर लेस देन द टाइम कुछ पैसेंजर ट्रेन। ठीक ना, कहने का मतलब कुछ है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है ये पैसेंजर ट्रेन से क्या कहता है 1 आवर कम समय लेता है। ठीक ना, तो 1 आवर कम समय कौन लगा, पैसेंजर की एक्सप्रेस बताइए, तो एक्सप्रेस ट्रेन का कि एक्सप्रेस का स्पीड कुछ है ज्यादा, तो जिसका स्पीड ज्यादा होता है टाइम क्या होगा कम होगा, और जिसका स्पीड कम होता है टाइम क्या होगा ज्यादा। तो आप देखिए तो सबसे पहले देखिए पैसेंजर के लिए, ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन के डिस्टेंस तो दोनों के लिए सेम है, तो 100 कितना होगा 32, अब बाय कुछ स्पीड, तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कुछ है तो एक्स, तब बाय क्या कर दें एक्स हो गया। ठीक है, आप ध्यान दीजिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा माइनस, ठीक है, आप बताए एक्सप्रेस ट्रेन का भी डिस्टेंस कितना था, तो 132, अब बाय कुछ स्पीड, तो स्पीड कुछ मान एक्सप्रेस के थे एक्स प्लस में 11, यहाँ पे लिखे कुछ एक्स प्लस में 11, आइज कल टू कितना 1 आवर। तो आप जान लीजिए कि दोनों का स्पीड क्या डिफरेंस है, तेरे बोला था कि जो आपका पैसेंजर ट्रेन है ये आपका क्या करता था एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा कम समय लेता था, तो एक्सप्रेस ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन से क्या क्या 1 घंटा कम समय लिया, 1 घंटा कम समय कब लिया
है कि पैसेंजर ट्रेन का स्पीड कुछ था एक से एक्सप्रेस कितना था 11 ज्यादा था, ये दोनों का स्पीड चेंज था तो टाइम का हो गया आपका 1 आवर इक्वल हो गया। ठीक ना, तो 1 आवर क्या होगा इक्वल हो गया। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो एलसीएम लीजिए तो एक्स और एक्स प्लस 11 का एलसीएम कितना होगा तो एक्स इंटू एक्स प्लस में 11, कोई डाउट है। अब इससे इससे डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा तो आपका कितना होगा तो 132 मल्टीप्लाई कितना है तो एक्स प्लस में 11। ठीक है, माइनस इससे क्या होगा कैंसिल तो एक्स में 1 तो इतना आपका 32 एक्स हो जाएगा। ठीक ना, इक्वल टू में 1। अब ध्यान दीजिएगा गुना कीजिए तो कितना का तो 132 एक्स में तो कितना 132 एक्स हो जाएगा प्लस गुना प्लस कितना का प्लस। ठीक है, और 132 में 11 से गुना कीजिए तो कितना गया 1452। ठीक है, माइनस में कितना 132 एक्स बाय मल्टीप्लाई कीजिए एक्स गुना एक्स कितना आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 11 में एक्स तक कितना का 11 एक्स इजकल टू 1। ठीक है, आप ध्यान दीजिए 132 को चीज में प्लस में आई क्या चीज में माइनस में तो माइनस और प्लस कट गया तो कितना आ गया 1452 बाई कितना तो एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स इजकल टू 1। नीचे कुछ ना तो 1 क्रॉस मल्टी देखिए सर देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 11 एक्स इजकल टू कितना का 1452। ठीक ना, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू में कितना 11 एक्स अभी प्लस में दी पार्टी माइनस में कितना आ गया 1452 इजकल टू में 0। अब ध्यान दीजिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए हैं। अब क्या करना है इसका डी निकालेंगे, डी चेक करने के बाद पॉसिबल होगा तो अल्फा और बीटा निकालेंगे। ठीक है, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, आप लोग के क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिए थे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक ना, इसमें बोला कुछ है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि दो को आपका स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है वर्ग, और एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है, और सम मतलब होता है योग। ठीक ना, इसमें कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन जो बोला है कि दो को स्क्वायर है। ठीक है, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम। ठीक है, एरिया मतलब क्षेत्रफल और सम मतलब। ठीक है, तो दोनों स्क्वायर का एरिया का सम कितना दिले तो 468 मीटर स्क्वायर। ठीक ना, इसके बाद बोला कुछ कि इफ द डिफरेंस पेरिमीटर। ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। ठीक है, डिफरेंस मतलब क्या होता है अंतर। तो इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरिमीटर, पेरिमीटर मतलब होता है परिमाप। ठीक है, पेरिमीटर मतलब परिमाप। तो करा कुछ कि इफ द डिफरेंस ऑफ द देयर पेरिमीटर इज कितना 24 मीटर। ठीक ना, इसमें करा कुछ कि जो पेरिमीटर है जो दोनों स्क्वायर का जो पेरिमीटर का डिफरेंस है जो आपका कितना दे 24, और एरिया जो दे लेता दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम था आपका कितना था 468। ठीक ना, तो करा को जी कि फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। इसमें क्या करना कि दोनों स्क्वायर का साइड क्या करना फाइंड करना। ठीक है, साइड मतलब भुजा, स्क्वायर मतलब वर्ग। ठीक है, तो आप देखिए सॉल्यूशन में ध्यान देते हैं तो इसमें क्या करेंगे सबसे पहले हम लेट मानेंगे। ठीक है, तो लेट क्या मानेंगे तो इसमें दो स्क्वायर है। ठीक है, तो दो स्क्वायर है तो इसमें हम लेट कुछ भी मान सकते हैं, या तो लार्जर स्मॉलर भी मान सकते हैं, या तो फर्स्ट या तो सेकंड भी मान सकते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर हम जो लेट माने फर्स्ट माने। ठीक ना, तो आप ध्यान दीजिए तो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी क्या मानिए एक्स मानिए। ठीक है, कहने का मतलब कुछ ये है कि माना कि पहली वर्ग की भुजा हम क्या माने एक्स। ठीक है, साइड मतलब भुजा, स्क्वायर का मतलब वर्ग। तो पहली वर्ग की भुजा को हम क्या लेट माने एक्स माने, एंड द साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर बी क्या माने वाई। तो दूसरी वर्ग क्या हो गया हम लेट माने वाई, और फर्स्ट वर्ड क्या हो गया आपको एक्स माने। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में क्या बोला तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा किसने बोला कुछ कि दो गो स्क्वायर। ठीक है, दोनों स्क्वायर का एरिया
का सम, ठीक ना, एरिया मतलब क्षेत्रफल और सम मतलब योर, तो दोनों स्क्वायर का एरिया का सम कितना था 468 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए, तो हम लोग जानते हैं कि एरिया पर स्क्वायर होता क्या, ठीक है, तो एरिया पर स्क्वायर क्या होता है, साइड के स्क्वायर। तो पहला स्क्वायर का साइड हम क्या माने, एक्स, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक ना, तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा आपका, एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। और दूसरा के लिए बताइए, तो दूसरा के लिए क्या माने हम, वाई, तो दूसरा एरिया के लिए क्या हो जाएगा, तो दूसरा के लिए कितना होगा साइड, तो वाई के स्क्वायर, तो वाई का स्क्वायर कितना होगा आपका, तो वाई का स्क्वायर आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अब दोनों एरिया का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक ना, तो पहला स्क्वायर का साइड कुछ माने, तो एक्स से एरिया, एरिया पर स्क्वायर को जगह साइड के स्क्वायर, तो साइड के जगह पर साइड कुछ माने, तो एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर का साइड कुछ माने, तो वाई, तो एरिया पर स्क्वायर को जगह, तो वाई साइड के जगह पर वाई रखे, तो वाई का स्क्वायर हो गया वाई। अब दोनों एरिया का हमको क्या करना, सम करना, ठीक ना, तो सम मतलब कुछ योग, तो पहला साइड का एरिया क्या आता, तो एक्स स्क्वायर और प्लस दूसरा साइड का एरिया क्या आता, तो वाई स्क्वायर। अब दोनों साइड के स्क्वायर के एरिया के सम कितना दिले, तो 468 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू में इतना आ गया, ठीक है, इसको हम लेट मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। आप देखेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुनः प्रश्न से, ठीक है, तब पुनः प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, आप बोला कुछ कि इफ द डिफरेंस ऑफ दी पेरीमीटर इज द कितना, 24 मीटर, ठीक ना, पेरीमीटर मतलब परिमाप, तो आप बताइए कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या पढ़ाए आप लोग, तो 4 गुना में साइड पढ़ेंगे, ठीक ना, तो 4 इंटू में क्या होता है साइड, तो 4 इंटू में साइड। तो आप बताइए कि फर्स्ट स्क्वायर का साइड हम क्या माने थे, एक्स माने थे, तो 4 में एक्स से करेंगे तो कितना होगा, तो 4x हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना गया, तो 4x हो जाएगा। सेकेंड के लिए बताइए, तो सेकेंड के लिए कुछ होगा, तो 4 इंटू में सेकेंड स्क्वायर का साइड कुछ माने वाई, तो 4 इंटू वाई कितना गया, तो आपका 4 वाई हो गया, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब कुछ अंतर, तो पहला स्क्वायर का पेरीमीटर और दूसरा स्क्वायर के पेरीमीटर, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बताइए, तो डिफरेंस कितना, तो 4x माइनस में कितना, तो 4y आजकल 2 में कितना था 24, ठीक ना, तो पहला स्क्वायर का पेरीमीटर कितना गया 4x और दूसरा स्क्वायर का पेरीमीटर कितना गया 4y, ताकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को जो था, तो 4 गुना में साइड, तो पहला स्क्वायर का साइड को जीता x और दूसरा स्क्वायर का साइड को y, तो 4 into x कितना गया 4x है, और 4 into y कितना गया 4y, और दोनों का perimeter का difference, तो difference मतलब कुछ अंतर, तो 4x minus 4y equal to कितना गया 24, common भी ले सकते हैं, जैसे common लीजिए, तो 4 common लेंगे तो कितना गया, तो x minus में y equal to में 24, अभी गुणा में त्रिपाटी, divide में, तो x माइनस y इजकल टू में कितना, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 6 मतलब कट जाएगा। आप ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक ना, तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ से दोनों में से कोई होगा सेपरेट करेंगे, या तो x के या तो y के, तो x से सेपरेट कीजिए, तो x इजकल टू कितना आएगा, तो 6, अभी माइनस में दिपाटी आपका प्लस में, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 3, ठीक ना, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या कर दें सेपरेट, अभी x वाला वैल्यू किस में पुट करेंगे आपका इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक ना, यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बाबू, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आजकल टू 468 है, ठीक ना, तो एक्स की जगह पर वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, तो 6 प्लस में वाई, क्योंकि एक्स के इक्वल में वैल्यू है ना, एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कीजिए, तो आपका कितना आ गया, तो 6 प्लस में वाई आइस का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या करें वाई का स्क्वायर आजकल टू में आपका आ गया 468 हो गया, ठीक ना। आप देखिए इसमें दो गो टर्म है,
से डिनोट करेंगे ए के बी से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला हम लिखवाए थे अलजेब्रा में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ठीक ना। इस पर पुट कीजिए तो ए का टर्म कितना 6, तो 6 स्क्वायर प्लस में बी का टर्म कितना तो y, तो y का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए कितना 6 इंटू में y कितना तो b कितना तो y, और प्लस में कुछ तो y स्क्वायर आइजकल टू में 468 हो गया, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, y का स्क्वायर कितना होगा y स्क्वायर, अब इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 में 2 से 12 y और प्लस में y स्क्वायर आइजकल टू में 468 हो गया, ठीक है। अब देखिए एक वाई स्क्वायर आई एक वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर कितना वाई स्क्वायर होगा तो 2y स्क्वायर और प्लस में कितना 12y आइजकल टू में कितना तो 468, अभी प्लस में तीन पार्टी जाएगा तब का माइनस में हो जाएगा 36, तो बताइए तो 2y स्क्वायर प्लस में 12y आइजकल टू, तो घटाइए तो 8 में से 6 गया था कितना होगा 2 और 6 में से 3 गया तो 3 आई आपका 4 बच गया, ठीक ना। अब इसमें कॉमन भी ले सकते हैं तो 2 कॉमन लीजिए तो कितना आगा तो y स्क्वायर प्लस में कितना आगा तो 6y आजकल 2 में 432, ठीक ना। अब देखिए तो गुणा में त्रिपाठी भागा में तो y स्क्वायर प्लस 6y आजकल 2, तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना आता कटेगा तो काट दीजिए तो 2 × 4 2 × 6 = 12, ठीक ना। तो ये हो गया आपका कितना तो y स्क्वायर प्लस 6y, अभी प्लस में त्रिपाठी माइनस में हो जाएगा 216 = 0। आप देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो बताइए है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म में है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकाल दिए, इसमें आपको d निकालना होगा और d पॉसिबल होगा तो अल्फा और बीटा निकालेंगे, वही आपका साइड के दोनों साइड का स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक ना। आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का।